नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सिविल इंजीनियर राज। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है इक्वलाइजेशन टैंक, जिसे हमें राफ्ट के लेवल तक बैकफिलिंग करना है। तो बैकफिलिंग करने से पहले हमें क्या क्या बेसिक सावधानियां बरतनी चाहिए उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ये बिटुमिन पेंट है और उसके साथ टारपिन ऑयल है, जिसे मिलाकर हम इस टॉप सरफेस पर कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि जो शटरिंग के समय कीड़ा मारा हुआ था स्टील सपोर्ट के लिए, उसे अच्छी तरह से काट लें। काटने के बाद उसे अच्छी तरह से जो सीमेंट मसाले का पेस्ट कर उसे कवर कर लें, जिससे कि वो रड दिखता ना रहे, जिससे कि आपका जो जंग लगने की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो जब सूख जाए तो सारे जो मसाले हैं उसे अच्छे तरह से, जो गिरा हुआ मसाला है टॉप सरफेस पे साइड में, उसे अच्छे तरह से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद जब आपको अच्छे तरह से लगा कि साफ़ हो रहा है, तो उसे अच्छे तरह से पानी से धोने के बाद उस पर कोटिंग करना शुरू करें। कोटिंग एज़ पर एरिया अकॉर्डिंग, अगर आपका एरिया जैसा हो उसके अकॉर्डिंग कोटिंग करना शुरू करें। पहले हॉरिजॉन्टल मारें, हॉरिजॉन्टल जब आपका एक लेयर पूरा कंप्लीट हो जा रहा हो, तब उसके बाद नेक्स्ट लेयर आप वर्टिकल मारें, जिससे कि आपका डबल लेयर उसमें अप्लाई हो जाएगा और वो मोर सेफ जोन में चला जाएगा। और इसके कोटिंग होने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो में, ये आपका पानी के कॉन्टैक्ट से एकदम पूरा ही बचा देता है आपको, कंक्रीट को पूरा ही सेफ कर देता है, क्योंकि ये जब सूखता है तो ये प्लास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो साइड में पानी में गिरा हुआ है, और गिरने के बाद ये तुरंत ये क्या हो गया, प्लास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसे अप्लाई करने के बाद जो आपका स्ट्रक्चर है वो पूरा सेफ तो हो जाएगा ही, साथ ही आपका जो कंक्रीट है और उसके अंदर का जो स्टील है उसकी भी जो स्ट्रक्चर की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इससे में किसी तरह का नॉलेज अगर गेन हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।